सोच लोगों को थोड़ा बदलना होगा। रोजगार तो तब पैदा होता है जब चीज़ें सारी ठीक ठाक हो जाए, भाई उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली चाहिए। आपने देखा होगा कि इस सरकार ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर जोर देने का प्रयास किया है कि भाई 5 वर्ष से जो पुरानी तमाम सड़कों को सुदृढ़ करने का प्रयास, 400 किलोमीटर नई सड़क बनाने का प्रयास। आपने देखा होगा कि भाई कई शहरों के सुदृढ़ीकरण की नई नई योजनाओं को उन्होंने इस बार इस बजट में रखने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर दिया है, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी कई योजनाएं सामने लाई और पुरानी योजनाओं को भी इन्होंने ठीक ठाक करने का प्रयास किया, चलाने का प्रयास किया, चाहे ऋण माफी हो अन्य। और फिर लड़कों को रोजगार के लिए तैयार करना, यह प्रमुख काम है कि भाई हम रोजगार आज करते हैं, हमारे लड़के तैयार नहीं हैं। वो जो पढ़ाई में मदद की बात कही थी, चाहे वो छात्रवृत्ति के माध्यम से हो, अन्य माध्यमों से हो, बच्चियों को बालिका समृद्धि योजना जो फूले भाई के नाम से है, उन तमाम योजनाओं को चालू रखा है। तो हमें लगता है कि ये बजट रोजगार पैदा करने वाला बजट है, रोजगार देने वाला बजट है। मुझे लगता है ये वन ऑफ द ब्रिलियंट बजट है झारखंड का, और मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो 75% पॉपुलेशन जो ग्रामीण इलाकों में निवास करता है, आज उनके लिए बजट बनाया गया है। आप बजट को खोल के देख लीजिए, उसका शुरुआती से ही ये है कि किसानों को क्या मिलेगा, केसीसी लोन माफ़ करने के लिए जो प्रावधान बजट का दिया गया है, किस तरह से इरिगेशन फैसिलिटीज, चेक डैम फैसिलिटीज। अपर्णा सिंह गुप्ता वो भी महिला विधायक, उनका कहना कि महिला सुरक्षा के नाम पर बजट में ऐसा कुछ नहीं है, लेकर किसे बदलवाने की कोशिश की। देखिए मैं यही कहूँगी विपक्ष के तौर से, आज अगर बजट का आप लोग प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो जैसे आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय का बात आया, विपक्ष उठ के चला गया, वॉकआउट कर दिया। और आंगनबाड़ी सेविका कौन है? महिलाएं, महिला घर वहाँ पर सशक्त होंगी। गाँव 1% का खर्चा कल तक 68% हम खर्चा कर चुके थे और अभी मार्च खत्म होने में टाइम है, हमने अनुपूरक माना पास किया है। निश्चित तौर पर जब आप खर्चा का आंकड़ा निकालिएगा 31 मार्च के बाद, तो आपको पता चलेगा कि सरकार ऑलरेडी 90% तक या 90 से ऊपर हम खर्चा कर चुके हैं। रह गई इस बजट की बात, तो ये बजट आम आदमी के लिए, झारखंड की जनता के लिए एक नील का पत्थर साबित होगा। और आप देखें कि जिस तरीके से सरकार ने बस बजट पेश नहीं किया, सरकार ने आंकड़ों के साथ अपनी उपलब्धियों को गिनाने का भी काम किया है। आप 2019-20 में 1.1 का विकास दर था, आज विकास दर 7.4 का है। अनुमानित विकास दर जो है हमारा 2024 में जब हमारी सरकार चुनाव में जाएगी तो 11.4 का होगा। कोई सरकार आपको बाकायदा आंकड़े के साथ गिनाती नहीं है। और आने वाले समय में जो इन नए साल में हम लोग ने बजटीय प्रावधान रखा है, आप देखें कि ग्रामीण कार्यों में 148 नए पुल, 3100 किलोमीटर नए सड़कों का समन्वय, पुरानी सड़कों को सौंदर्यीकरण। आप स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के आवंटन में 78% का ग्रोथ हम लोग ने दिया है। 78% मतलब कोई ग्रोथ अगर आवंटन राशि में होता है तो 10% 20% समझ में आता है, 78% का ग्रोथ दिया है। ये सरकार की दूरदृष्टि का परिणाम है, क्योंकि सरकार ने कोविड से सीखा है, कोरोना से सीखा है कि हम लोग को आपदा के तहत अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। अगर आप सैया सेविका की डिपार्टमेंट की बात करें तो 3100 रुपया सैया सेविका को मानदेय मिलता था, आज हम लोग को 4500 हम लोग देने जा रहे हैं, और प्लस साल में एक स्मार्टफोन और आपको जो बीमा है ग्रुप बीमा उसमें 500 रुपया का हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो बोकारो और रांची में हम मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। अगर आप नए एयरपोर्ट्स की बात करके दुमका और बोकारो को शुरू करने जा रहे हैं, नए पॉलिटेक्निक्स की बात करें तो उसमें भी हम 4-5 नए पॉलिटेक्निक लाने जा रहे हैं, नए स्कूल की हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो बीजेपी के द्वारा बंद कराया गया। तो ले दे के हम लोग ने आंकड़ों के साथ अपनी उपलब्धियां डाली हैं। हमारे संस्थापक JN टाटा हमें प्रेरित करते हैं कल के निर्माण के लिए, एक ऐसा कल जो उज्जवल, हरा भरा और स्वच्छ हो। हम शून्य के लक्ष्य का संकल्प दोहराते हुए हमारे संस्थापक के 184वें जयंती पर शपथ लेते हैं एक स्थायी कल बनाने की। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा,
दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year.